नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से लगा के सनावत के बीच में आमान परिवर्तन कार्य किया जाना है, जिसमें कि सेक्शन क्रिटिकल होने की वजह से पाताल पानी से लगा के बलवाड़ा का सेक्शन जो है नए मार्ग से बनाया जा रहा है। इस बाबत हम लंबे समय से जानकारियां आप सभी को अलाइनमेंट के बारे में देते आ रहे हैं। इस अलाइनमेंट को बनाने के लिए रेलवे को निजी ज़मीनों के साथ में वन भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ में कुछ जो खसरे हैं वह राज्य शासन के हैं और उनका भी अलॉटमेंट रेलवे को किया जाना है, इसके भी प्रक्रिया चल रही है। वन भूमि के अलॉटमेंट के लिए लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रस्ताव लगाया गया था, जिसका कि अभी तक लंबित रूप से चलना काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके लिए जो रेलवे के अधिकारी हैं वह प्रयास कर रहे हैं कि इसी वर्ष में वह जो ज़मीनें हैं वह जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं, क्योंकि जो कार्य करने हैं उसके लिए टेंडरों के खुलने का सिलसिला जारी है और उम्मीद जताई जा रही है इस वर्ष के अंत तक जो पूरा सेक्शन है इसमें लाइन बिछाने के कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हमने पूर्व में आपको जानकारी दी थी, जो टेंडर निकलने का था, तीसरे नंबर का टेंडर हमारी टनल एक जो सबसे लंबी टनल है इसके एंड से लगा के राजपुरा स्टेशन के 30 किलोमीटर सेक्शन की लंबाई के कार्यों के लिए वह टेंडर था तकरीबन 1200 करोड़ की लागत का, लेकिन यह अभी तक खोला नहीं गया है क्योंकि जो पुराना टेंडर हमारा है पाताल पानी से लगा के बढ़िया स्टेशन और टनल एक के मुहाने तक के निर्माण का, उसका एग्जीक्यूशन यानी कि जो टेंडर की प्रक्रिया है वह पूरी नहीं हुई है, जो कि 29 मई तक पूरी होगी। इस बीच रेलवे उक्त जो टेंडर निकाला जाना था राजपुरा तक का, उसकी जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा स्लो कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है आने वाले कुछ दिनों में उस टेंडर को भी निकाला जा सकता है। इसके साथ में 400 करोड़ की लागत का एक और टेंडर था जो कि राजपुरा से चोरल के सेक्शन के लिए था, उसको भी जल्द ही खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल रेलवे जो निजी ज़मीनें हैं उनके अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव जो केंद्र सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं, धारा 20E की अधिसूचना के अनुसार यह जो जानकारी आज राजपत्र में आई है वह डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के पाताल पानी के एक खसरे के लिए और झिकरिया खेड़ी के तकरीबन 8 खसरों के लिए, जिसके खातेदारों के नाम और प्रभावित ज़मीन का हेक्टेयर रकबा भी आप इसमें देख सकते हैं। वहीं रसकुंडिया और उमट के तकरीबन 6-6 खसरे इसमें अधिग्रहित किए जाने हैं। साथ ही हमारा जो चोरल है उसके 26 खसरे अधिग्रहित किए जाने हैं। वहीं रत्वी के तकरीबन 5 खसरे इसमें अधिग्रहित किए जाने हैं। और भी जो ज़मीनें हैं जो कि पहाड़ी इलाके के आसपास की हैं उनके लिए भी अधिसूचना का प्रकाशन रेलवे के द्वारा जो राजपत्र है उसमें हो चुका है। इसके पश्चात में उसकी भी प्रक्रिया चल रही, हालांकि ज़मीनें लेने में थोड़ा समय लगता है और विभिन्न आपत्तियां हैं उनका भी निराकरण किया जाता है। इसके पश्चात ही ज़मीनें मुआवजा बांटने के बाद रेलवे के कब्जे में आ पाएंगी और उन पर निर्माण कार्यों की शुरुआत होगी। बहरहाल जैसा कि हमने आपको जानकारी में बताया कि जो निर्माण कार्य है नए डाइवर्टेड सेक्शन का वह इसी वर्ष शुरू किया जा सकता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण जो टेंडर है वह रेलवे के द्वारा निकाला गया है, वह है हमारे मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के बड़वाह और ओंकारेश्वर रोड के बीच में जो सेक्शन बनाया जा रहा है 21 किलोमीटर लंबाई का, जिसके टेंडरों पर कार्य की शुरुआत हो चुकी है। साफ सफाई सबसे पहले की जा रही है, इसके पश्चात में ट्रैक को डिसमेंटल करने का कार्य इसमें किया जाना है। इस कार्यों की मॉनिटरिंग की दृष्टि से संबंधित एजेंसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सेवा देने के लिए रेलवे के द्वारा टेंडर निकाला गया है, जो कि कोई बड़े एजेंसी को दिया जा सकता है। इन आमान परिवर्तन कार्यों की जो गति है उस पर नज़र रखेगी।
साथ ही संबंधित एजेंसी को प्रोजेक्ट के मैनेज करने हेतु अपने विभिन्न सुझाव भी देगी, जिससे कि वे लोग काम सुचारू रूप से कर सकें। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग करने के लिए रेलवे अलग से एजेंसी हायर कर रही है। हमने पूर्व में देखा है कि जो कार्य हैं इन पर सही तरह से निगरानी ना होने की वजह से इनकी जो टारगेट डेट है कई बार आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में रेलवे को अब अतिरिक्त पैसा खर्च करके इन पर नज़र रखने के लिए कंपनियों को लेना पड़ रहा है, सेवाएं लेना पड़ रही हैं, जिससे कि जो कार्य है तय सीमा में पूरे हो सके। क्योंकि पूर्व में ही इन सभी कार्यों की जो तारीखें आगे बढ़ने से रेलवे की काफ़ी मिट्टी पलीत हो चुकी है, और ऐसे में आगे इनके कार्य सही ढंग से पूरे हो सके उसी को देखते हुए यह जो मॉनिटरिंग करने और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेवाएं देने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, काफ़ी काबिले तारीफ है। इसी तरह की जो प्रक्रिया है या विभिन्न अमान परिवर्तन कार्यों के साथ साथ जो हमारे नई लाइन कार्य हैं इनमें भी किए जाने की आवश्यकता देखी जा रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं विभिन्न जगहों पर जो कार्य चल रहे हैं वह काफ़ी धीमी रफ्तार में चल रहे हैं। साथ ही सही तरीके से निगरानी ना होने की वजह से मनमाना कार्य एजेंसियाँ कर रही हैं और गति भी उतनी अच्छी इनमें नहीं देखी जा रही है। ऐसे में रेलवे को दाहोद इंदौर परियोजना के साथ साथ छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना में भी इस तरह के मॉनिटरिंग करने के लिए एजेंसियों को नियुक्त करना चाहिए, ताकि जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं उन पर दृष्टि बनाई जा सके, उन पर दबाव रहे थोड़ा एजेंसियों का कि आगे जवाब जो जा रहा है वह संतुष्टिजनक नहीं है, तो जो कंपनियाँ हैं उन पर कार्यवाही भविष्य में की जा सकती है। खैर, यह काफ़ी ऊंचे दर्जे की बात है, इस पर रेलवे को बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम हमारा जो आमान परिवर्तन कार्य है इसमें तो रेलवे के द्वारा इसी तरह की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो उम्मीद जता सकते हैं कि आगामी जो इनका टारगेट है वह समय से पूरा करने में जो मॉनिटरिंग एजेंसी है अपना महत्वपूर्ण रुख दिखाएंगी, और ऐसी ही एजेंसियां जल्द से जल्द जो हमारे बाकी के कार्य हैं उनमें भी आएं, और रेलवे को खुद आगे रहकर इन एजेंसियों की सेवा लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां हैं वह तय लक्ष्य से आगे कार्य यदि करती है तो ऐसे में जो हमारी रेलवे है उसके साथ साथ केंद्र सरकार का भी नाम खराब होता है, क्योंकि फंड तो उनके द्वारा पर्याप्त रूप से सभी प्रोजेक्टों में दिया जा रहा है, लेकिन कार्य करने की जो शैली है वह अपनी एजेंसियां नहीं बदल रही है। समय समय पर विभिन्न कारणों की वजह से वे लोग काम रोक देते हैं और कार्यों की डेडलाइन आगे खिसक जाती है। बहरहाल, यह अपडेट थी हमारे पाताल पानी से लगा के जो बलवाड़ा सेक्शन है इसमें जमीन से अधिग्रहण के बारे में, साथ ही बलवाड़ा से लगा के बड़वाह और ओंकारेश्वर रोड के बीच में जो अमान परिवर्तन कार्य किया जा रहा है उसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी का चयन करने हेतु रेलवे ने टेंडर निकाला है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हम अनुरोध करते हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ यह महत्वपूर्ण जानकारी शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।